हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयताकार विभव प्राचीर। इसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, विभव रोधिका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करना चाहेंगे कि पोटेंशियल बैरियर या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। एक ऐसा रीजन रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हमने पोटेंशियल यानी बी एक्स का हमने यहाँ पे डिस्टेंस के साथ में ग्राफ प्लॉट किया है। तो पोटेंशियल बैरियर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा लिमिटेड एरिया जिसमें पार्टिकल पर काम करने वाले फोर्स फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं बात कर रही हूँ एक्स डायरेक्शन में जीरो से ए तक के डिस्टेंस की, तो उस केस में पार्टिकल जब इस रीजन में मोशन करेगा तो उस कंडीशन में पार्टिकल पर काम करने वाले या द फोर्स फील्ड एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल नॉट बी इक्वल टू द जीरो। तो जीरो से ए के बीच में पार्टिकल पर वी नॉट फोर्स फील्ड, यहाँ पे वी नॉट पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स फील्ड काम करेगा। और अगर हम इस रीजन के अलावा दूसरे रीजन की बात करते हैं तो आउटसाइड दिस रीजन फोर्स फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या विभव रोधिका। सो अ रेक्टेंगुलर वन डायमेंशनल, अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं। सो अ रेक्टेंगुलर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट वी नॉट एंड विड्थ ए फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास एम। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक m मास के पार्टिकल के लिए, जिसमें उसके पोटेंशियल बैरियर, यहाँ आप देख सकते हैं इस विभव रोधिका जिसको हम कह रहे हैं पोटेंशियल बैरियर, उसकी हाइट तो है v नॉट और इसकी चौड़ाई विड्थ है a। और इस पोटेंशियल बैरियर के लिए एक m मास का पार्टिकल इसके अलोंग मोशन करता है x डायरेक्शन में। तो हमने डेफिनेशन कैसे दी है इसकी कि एक ऐसा लिमिटेड रीजन जिसमें पार्टिकल पर काम करने वाले फोर्स फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती इस केस में, बाकी इसके आउटसाइड रीजन में फोर्स फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि इसको हम यहाँ पे तीन रीजन में डिवाइड करेंगे। देखिए फर्स्ट रीजन क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम है। सो फर्स्ट रीजन में जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो पोटेंशियल यानी कि वी एक्स की वैल्यू जीरो है। सेकेंड रीजन मतलब जब हमने x की वैल्यू जीरो से ज्यादा और a से कम ली है। सो दिस इज द सेकेंड रीजन इन दिस बाउंड्री वेयर वी एक्स इज इक्वल टू द वी नॉट, जो कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट के इक्वल है। आगे हम बात करते हैं थर्ड रीजन की, जिसमें x की वैल्यू है a से ज्यादा, मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन a, इन दैट कंडीशन वी एक्स इज इक्वल टू द जीरो। So, यहाँ पे हम इस पोटेंशियल बैरियर को हम तीन रीजन में डिवाइड करेंगे, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकेंड और रीजन थर्ड। और इनके लिए हमने पोटेंशियल फील्ड को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो V नॉट है ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा है, इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट को। अब हम यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करेंगे कि एक m मास का पार्टिकल है जो कि यहाँ से राइट साइड की तरफ मोशन कर रहा है। अब उसके दो कंडीशंस हो सकते हैं कि या तो जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी की वैल्यू v नॉट से कम हो, या सेकंड केस होगा जब पार्टिकल की एनर्जी e v नॉट से ज्यादा हो। सो हम वन बाय वन इन तीनों रीजंस के लिए E is less than V naught और E is greater than V naught दोनों केसेस को हम डीपली स्टडी करेंगे। सो देखिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन लिखते हैं। एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इज d2 psi over dx square plus 2m upon h cross square e minus b into psi is equal to the 0। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन, इन दोनों रीजन्स में पोटेंशियल यानी कि vx की वैल्यू 0 है। सो फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी
डी टू साई वन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई वन एक्स इज इक्वल टू दी जीरो एंड डी टू साई थर्ड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई थ्री एक्स विल बी जीरो। यहाँ पर हमने फर्स्ट रीजन में जब आर्टिकल है और उसे एसोसिएटेड वेव को रिप्रेजेंट करने वाले वेव फंक्शन को हमने साई वन से रिप्रेजेंट किया है और थर्ड रीजन में हमने साई थ्री से रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है और एच क्रॉस भी कांस्टेंट है सो टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हमने के स्क्वायर से रिप्लेस किया है सो इक्वेशन नंबर थ्री ए एंड इक्वेशन नंबर थ्री बी विल बी रिप्रेजेंटिंग फॉर दी टू रीजन वन एंड रीजन थर्ड सो डी टू साई वन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन एक्स इज इक्वल टू दी जीरो एंड डी टू साई थर्ड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई थर्ड एक्स विल बी जीरो। अब क्योंकि ये हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में मिल रही है सो उस केस में हम इसका सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे दैट साई वन एक्स की वैल्यू होगी ए रेज़ टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। सिमिलरली साई थ्री के लिए साई थर्ड एक्स विल बी इज इक्वल टू द सी ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब देखिए हम वन बाय वन इन टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर जो ये टर्म है ए ई रेज टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के प्लस एक्स डायरेक्शन में इंसिडेंस को और बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स टर्म रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन को और अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन वहां हो रहा है सो ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन को। सिमिलरली जब हम साई थर्ड की बात कर रहे हैं तो उस केस में सी ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रीजन में पार्टिकल के प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रांसमिशन को और डी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स टर्म रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन को मीन्स माइनस एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का जब रिफ्लेक्शन होगा। सो ये अभी हमने फर्स्ट और थर्ड केस की हमने बात की है। अब यहाँ पे हमें चार कॉन्स्टेंट मिले हैं ए बी सी और डी हमें इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इन कॉन्स्टेंट की वैल्यूज को हम कंटिन्यूटी और बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं। सो अब हमें यहाँ पे ए बी और सी डी की वैल्यू को इवेल्युएट करना है जिसके लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब पार्टिकल थर्ड रीजन में पहुंच जाता है तो उस केस में पार्टिकल के पास में इतनी इनफ एनर्जी होगी कि वो अब आगे प्लस एक्स डायरेक्शन में ही मोशन करे। इसका मतलब ये है कि उसका उस रीजन में जाने के बाद में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो और साथ ही वहां पे vx की वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि थर्ड रीजन में पार्टिकल के पहुंचने के बाद में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इट मीन्स d रेज टू द पावर माइनस आयोटा kx की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। सो यहां से हम लिखेंगे साई वन एक्स विल बी द ए रेज टू द पावर आयोटा kx प्लस बी रेज टू द पावर माइनस आयोटा kx। फर्स्ट रीजन जिसके लिए x की वैल्यू लेस देन जीरो है थर्ड रीजन के लिए साई थर्ड x विल बी इज इक्वल टू द सी ई रेज टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स फॉर विच x इज ग्रेटर देन a। सो यहाँ पे अभी हमारे पास में प्रेजेंटली तीन कॉन्स्टेंट्स हैं एंड दोज आर नेम्ड एज a, b एंड c वेयर a इज रिप्रेजेंटिंग एन इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड b इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्टेड वेव एम्पलीट्यूड एंड सी इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांसमिशन वेव एम्पलीट्यूड इन द थर्ड रीजन। अब आगे हमें यहां जब इस पोटेंशियल बैरियर को स्टडी करना है तो हम इसके लिए दो केसेस की बात करेंगे व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट एंड ई इज ग्रेटर देन वी नॉट। अब देखिए ये दो कंडीशंस हम बात करेंगे सेकेंड रीजन के लिए और सेकेंड रीजन क्या है जब एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन ए इन दिस रीजन वी एक्स इज इक्वल टू दी वी नॉट एंड फॉर दिस रीजन वी आर अप्लाइंग द केस व्हेन एनर्जी ई इज लेस देन वी नॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन लिखेंगे। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन सेज दैट डी टू साई टू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई टू विल बी जीरो।
बट जब हम E माइनस बी नॉट लेंगे और हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी जो है कम है और V नॉट की वैल्यू ज्यादा है, तो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, यानी कि हमने V नॉट माइनस E की फॉर्मेट में किया। तो जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, डी टू साई टू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ई इंटू साई टू इज इक्वल टू दी जीरो। अब यहाँ पे हमारी टर्म टू टर्म कॉन्स्टेंट आ रही है क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी ई भी कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट वी नॉट भी कॉन्स्टेंट है, एम एंड एच क्रॉस आर ऑल्सो दी कॉन्स्टेंट। सो यहाँ हमने 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस e को लिखा है अल्फा स्क्वायर के इक्वल। सो हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है एंड दैट इज d2 साई 2 ओवर dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई 2 विल बी जीरो। इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया है दैट साई 2x विल बी द m e रेज टू द पावर अल्फा x प्लस n e रेज टू द पावर माइनस अल्फा x। अब हमें यहाँ पे इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करना है। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाउंड्री कंडीशन हम उस रीजन में अप्लाई करते हैं, हम उस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे दो रीजन्स आके एक दूसरे से मिलते हैं। अब क्योंकि इस पोटेंशियल बैरियर के केस में हमारे पास में तीन रीजन्स है, रीजन वन, रीजन टू और रीजन थ्री। तो हम यहाँ पे क्योंकि सेकेंड रीजन के लिए हम E इज लेस देन V नॉट के केस को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे को बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन दोनों x बराबर जीरो पे मिल रहे हैं और सिमिलरली सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन x बराबर a पॉइंट पर एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ उनको फिर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम इन दो पॉइंट्स पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वन विल बी x इज इक्वल टू द जीरो एंड अनदर विल बी द x बराबर a फॉर विच साइड टू शुड बी इक्वल टू द साइड थ्री। मतलब ये है कि x बराबर जीरो पॉइंट पे साइड वन और साइड टू दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और x बराबर a पॉइंट पे साइड टू और साइड थ्री इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। So using this boundary condition that psi 1 at x is equals to the 0 should be equal to the psi 2 at x is equals to the 0. जब हमने यहाँ पे इस कंडीशन में x की वैल्यू 0 रखी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और psi 1 क्या था हमारा, a e raise to the power iota kx plus b e raise to the power minus iota kx। तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a plus b बराबर होगा m plus n के। सिमिलरली जब हमने कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई की डेल साई वन ओवर डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू द जीरो विल बी इक्वल टू द डेल साई टू ओवर डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू द जीरो, उस केस में हमें इक्वेशन मिलेगी आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी दैट विल बी इज इक्वल टू द अल्फा एम माइनस कैपिटल एन इंटू द अल्फा। ऑन सिंप्लीफाइंग इट आयोटा के इंटू द ए माइनस बी विल बी इज इक्वल टू द अल्फा इंटू द एम माइनस एन। रीअरेंज करेंगे तो हमें a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज द अल्फा अपॉन आयोटा के इंटू एम माइनस एन। अब हमें यहाँ पे एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 को एड किया तो हमें 2a की वैल्यू मिलती है एंड दैट विल बी इक्वल टू दी m। रीअरेंज करेंगे तो m इंटू दी 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस एन इंटू वन माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस एन इंटू दी वन प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के। ये वैल्यू हमें मिली है जब हमने इक्वेशन नंबर 9 और 10 को एड किया है। सिमिलरली जब हम इक्वेशन नंबर 9 और 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में 2b की वैल्यू होगी एम प्लस एन माइनस अल्फा एम अपॉन आयोटा के प्लस एन अल्फा अपॉन आयोटा के। So on solving it, we will get an expression for 2b that is equals to the m into the 1 plus iota alpha upon k plus n into the 1 minus iota alpha upon k. अब हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू मिल गई है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली b upon a की वैल्यू मिलेगी जो कि हमें फर्स्ट रीजन में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन पर प्रोवाइड करवाएगा। सो हम यहाँ पे b अपॉन a के रेशियो को फाइंड आउट करते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 13 के फॉर्म में b अपॉन a के लिए एक वैल्यू मिलती है। अब अभी जो हमने प्रीवियसली बाउंड्री कंडीशन लगाई थी वो हमने फर्स्ट और सेकेंड रीजन के लिए अप्लाई की थी।
अब आगे हम सेम बाउंड्री कंडीशन को सेकंड और थर्ड रीजन के लिए अप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी रिटन एज इन दिस फॉर्म ऑफ दी साइड टू विल बी इक्वल टू दी साइड थ्री एट एक्स इज इक्वल टू दी ए एंड डेल साइड टू ओवर डेल एक्स विल बी इक्वल टू दी डेल साइड थ्री ओवर डेल एक्स। अब क्योंकि डेल साइड टू की वैल्यू थी एम ई रेज टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस एन ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स और साइड थर्ड की वैल्यू है सी ई रेज टू दी पावर प्लस आयोटा के एक्स। अब क्योंकि हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू द ए पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं कि सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं सो हमें यहाँ ये बाउंड्री कंडीशन मिलेगी सी ई रेज टू दी पावर आयोटा के ए दैट विल बी इक्वल टू दी एम ई रेज टू दी पावर अल्फा ए प्लस एन ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा ए। सिमिलरली जब हम कंटिन्यूअस कंडीशन यूज में लेंगे सो दैट विल बी द डेल टू साइड डेल साइड टू ओवर डेल एक्स इट विल बी इक्वल टू द डेल साइड थ्री ओवर डेल एक्स। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिलेगी आयोटा के। सो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 14 और 15 से हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें फर्दर कॉन्स्टेंट्स को हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में अचीव करेंगे। सो जब हम इक्वेशन नंबर 14 और 15 को डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ द आयोटा के दैट विल बी इक्वल टू द अल्फा इनटू एम ई रेज टू द पावर अल्फा ए माइनस एन ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाय एम ई रेज टू द पावर अल्फा ए प्लस एन ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा ए। सिंप्लीफाई किया जब हमने इसका फर्दर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमें इस टाइप से एक रिलेशन मिलता है n और m के लिए। फर्दर सॉल्व करते हैं तो n और n अपॉन m की वैल्यू हमें मिलती है इन टर्म्स ऑफ द e रेज टू द पावर 2 अल्फा a इनटू सो n अपॉन m विल बी इक्वल टू द e रेज टू द पावर 2 अल्फा a इनटू द अल्फा माइनस आयोटा k अपॉन अल्फा प्लस आयोटा k। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माइनस ई रेज टू द पावर 2 अल्फा ए इंटू द आयोटा अल्फा प्लस के अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा। सो अभी हमने जब ऊपर बी अपॉन ए की कॉन्स्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था तो उस कॉन्स्टेंट में हमें एक कॉन्स्टेंट मिल रहा था एन अपॉन एम। देखिए हमारा मेन टारगेट यहाँ पर यह है कि ये जो कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यू हमें निकालनी है आइदर इन टर्म्स ऑफ द के अल्फा बट यहाँ पे अनादर कॉन्स्टेंट हमें नहीं मिलने चाहिए। सो अभी हमें यहाँ पे जो n अपॉन m मिल रहा है हम उसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 16 से पुट करेंगे। सो जब हमने यहाँ पे n अपॉन m की वैल्यू पुट की तो हमें यहाँ से b अपॉन a के लिए एक सिंप्लीफाइड मिलेगा। सिंपल जब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया n अपॉन m की वैल्यू रखने के बाद में तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पहले n अपॉन m की वैल्यू पुट की फिर यहाँ पे इनको हमने क्रॉस प्रोडक्ट दिया दैट इज अ के माइनस आयोटा अल्फा है। फिर जब हमने इनको ब्रैकेटेड टर्म को मल्टीप्लाइड टर्म को हमने ओपन किया तो हमें यहाँ से रिलेशन मिलता है बी अपॉन ए के लिए दैट इज के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 2 अल्फा ए माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 2 अल्फा ए माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अल्फा के इंटू 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2 अल्फा ए। अब हमने यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस अप्लाई किए हैं लाइक कॉस अल्फा बीटा ए इज इक्वल टू द ई रेज टू द पावर बीटा ए प्लस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ए अपॉन 2 एंड अनदर रिलेशन लाइक साइन हाइपरबोलिक बीटा ए दैट इज इक्वल टू द ई रेज टू द पावर बीटा ए माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ए अपॉन 2। सो जब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को हम बी अपॉन ए के एक्सप्रेशन में पुट अप करेंगे तो हमें बी अपॉन ए के लिए एक फाइनल रिलेशन हमें मिलता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा ए। अब आगे हमने ये ऐसा हमने इन रिलेशंस को यूज में लेते हुए किया तो हमें बी अपॉन ए की वैल्यू मिली। फर्दर जब हम इक्वेशन नंबर 14 और 11 का डिवाइड करते हैं मींस अब क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू हमें थर्ड रीजन में भी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का कोफिशियंट क्या होगा ट्रांसमिटेड करंट एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। सो ट्रांसमिटेड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इंसिडेंट को ए से। सो हमें यहाँ पे सी अपॉन ए के रेशियो को भी फाइंड आउट करना है। सो जब हमने यहाँ पे सी अपॉन ए को
यानी कि इक्वेशन नंबर 14 में आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 14, और इसमें जब हमने 11 का जहां पे हमें वैल्यू मिल रही है a की, जब हमने इसका डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे c अपॉन a की वैल्यू मिलती है। अब आप इस रिलेशन में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे m अपॉन n मिल रहा है। अब क्योंकि हमें यहाँ c अपॉन a की वैल्यू को उन पैरामीटर्स में निकालना है जिनमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो, मतलब कि जो भी हमारे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट थे वो टर्म इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, लाइक m, n, b एंड सम अदर पैरामीटर्स। सो हम यहाँ पे क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी ऊपर n अपॉन, फिर हमने यहाँ पे m का डिवाइड किया पूरे इक्वेशन में, तो हमें n अपॉन m का कोफिशियंट इस इक्वेशन में इंक्लूड होता है, और हम ऑलरेडी n अपॉन m की वैल्यू इवेल्युएट कर चुके हैं, तो वहां से हमने यहाँ पे n अपॉन m की वैल्यू को पुट किया। और फर्दर जब हमने इसको सॉल्व किया, सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं हमने डेरिवेशन मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमने n अपॉन m की वैल्यू रखी, उसके बाद में हमने एलसीएम लिया k माइनस आयोटा अल्फा का, एलसीएम लिया हमने, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से जो टर्म सेम आ रही है विद अपोजिट साइन है उसको हमने कैंसिल आउट किया, अब बाकी टर्म्स को हमने एड ऑन किया, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमें सी अपॉन ए की वैल्यू मिलती है, एंड दैट इज इक्वल टू दी माइनस फोर के आयोटा अल्फा ई रेज टू दी पावर अल्फा ए इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा के ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू वन माइनस ई रेज टू दी पावर टू अल्फा ए माइनस ऑफ टू आयोटा के अल्फा इंटू वन प्लस ई रेज टू दी पावर टू अल्फा ए। फर्दर जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो उस केस में हमें सी अपॉन ए की वैल्यू मिलती है टू आयोटा के अल्फा ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा के ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक अल्फा ए प्लस टू आयोटा अल्फा के कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक अल्फा ए। अब क्योंकि अभी हम यहाँ E is less than V naught के केस को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि, so हमें यहाँ E is less than V naught के केस के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशियंट और ट्रांसमिशन कोफिशियंट को इवेल्युएट करना है। so देखिए रिफ्लेक्शन हम जानते हैं फर्स्ट रीजन में होगा, और फर्स्ट रीजन के लिए हम कंडीशन लिखते हैं दैट x will be less than zero, और जब हमें रिफ्लेक्शन कोफिशियंट फाइंड आउट करना होता है तब हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालते हैं, और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला दिया जाता है जे से, एंड दैट इज इक्वल टू दी एच क्रॉस अपॉन टू आयोटा एम साई वन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल साई वन ओवर डेल एक्स माइनस डेल साई वन ओवर डेल एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहां से जब हम साई वन की वैल्यू इन फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करते हैं, तो हमें फर्स्ट रीजन के लिए जे की वैल्यू मिलती है, एंड दैट इज इक्वल टू दी एच क्रॉस के अपॉन एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सिमिलरली हम थर्ड रीजन के लिए भी इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड जे विल बी रिटन एज एच क्रॉस अपॉन टू आयोटा एम साई थर्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल साई थर्ड ओवर डेल एक्स माइनस साई थर्ड डेल साई थर्ड ओवर डेल एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और हमने साई थर्ड की वैल्यू को इवेल्युएट किया था तो उसकी वैल्यू इक्वल आई थी सी ई रेज टू द पावर प्लस आयोटा के एक्स। जब हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। So using this expression J for the third reason will be written as H cross K upon M mod of C square. H cross K particle के momentum को represent कर रहा है, so it will be equal to the P upon M mod of C square. अब आगे हमें जब reflection coefficient निकालना है तो उसका formula हम देते हैं J reflected upon J incident से। अब देखिए J reflected की value क्या आई है यहाँ से, पी अपॉन एम मॉड ऑफ बी स्क्वायर फर्स्ट रीजन में, और जे इंसिडेंट की वैल्यू है पी अपॉन एम मॉड ऑफ इंटू ए स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ऊपर अभी हमने बी अपॉन ए की वैल्यू को इवेल्युएट किया था, जब हम यहाँ पर बी अपॉन ए की वैल्यू को रखते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें आर की वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ द के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस फोर अल्फा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर।
सो इस प्रकार से अभी हमने रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को इवेल्युएट किया है. सिमिलरली हम ट्रांसमिशन कोफिशियंट इवेल्युएट करेंगे तो उसका फॉर्मूला दिया जाता है टी, यानी पारगमन गुणांक जब हमें निकालना होगा तो उसकी वैल्यू हम देते हैं जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट. जे ट्रांसमिटेड अभी हमने थर्ड रीजन के लिए इवेल्युएट किया था, उसकी वैल्यू आई थी पी अपॉन एम मॉड ऑफ सी स्क्वायर, और जे इंसिडेंट की वैल्यू होती है पी अपॉन एम इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज इक्वल टू द मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर. सो जब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 18 से इस मॉड ऑफ सी अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे रखा और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें टी की वैल्यू मिलती है 4k स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर. अब हमने देखा था के स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कॉन्स्टेंट थे. के स्क्वायर की वैल्यू है 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर के इक्वल और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू थी 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इनटू द v नॉट माइनस a. सो जब हम इनको सॉल्व करते हैं क्योंकि अभी हमें एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो जब हम इन दोनों टर्म को एड करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू आती है 2m v नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर के इक्वल. और जब हम इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट देखते हैं लाइक अल्फा स्क्वायर इंटू दी के स्क्वायर तो उसकी वैल्यू होती है 4 एम स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस 2 टू दी पावर 4 इंटू ई इंटू दी वी नॉट माइनस ई. तो जब हम यहाँ से इन दोनों टर्म्स यानी कि लाइक के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर की वैल्यू को इस रिलेशन में रखते हैं तो हमें एक सिंप्लीफाइड रिलेशन हमें ट्रांसमिशन कोफिशियंट के लिए मिलता है. And that is the t is equals to the 1 plus v naught square sine hyperbolic square alpha a divided by 4 e into v naught minus e की power minus 1, जहाँ पे हमने k square plus alpha square की value को put up किया है. Further हम यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट था हमारा जो अभी हमने ऊपर इवेल्युएट किया था दैट वाज दी मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था. इसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं उसके लिए मैंने डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व किया है. इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल डेरिवेशन तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं. इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल डेरिवेशन. तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू को इवेल्युएट किया है और टी की वैल्यू को इवेल्युएट किया है और टी की वैल्यू आई थी हमारी 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए डिवाइडेड बाय 4 ए इंटू वी नॉट माइनस ई की पावर माइनस 1. और आर की वैल्यू को जब हमने इस रिलेशन में ये हमारा जो आर आया था इस रिलेशन में हमने अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू और उनके प्रोडक्ट को जब हमने रखा और फर्दर सॉल्व किया तो आर की वैल्यू हमें मिलती है 1 अपॉन 1 प्लस 4 ई इंटू वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए. सो यहाँ से हमें आर और टी की वैल्यू मिली है और ये अभी हम केस अज्यूम कर रहे थे जब पार्टिकल की एनर्जी ई की जो वैल्यू थी वो वी नॉट से कम थी. अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट वी नॉट से कम होती है तो उस केस में क्या पार्टिकल पूरी तरीके से थर्ड रीजन में ट्रांसमिट हो जाता है या उसके रिफ्लेक्शन के कुछ चांसेस होते हैं. इसको जब हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा तो हम आर प्लस टी से हम इसको देखते हैं. सो हमारे पास में आर की वैल्यू आ चुकी है, टी की वैल्यू आ गई है. जब हमने इन दोनों को एड अप किया और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आर की वैल्यू रखी है, यहाँ टी की वैल्यू रखी है. जब मैंने इनका एलसीएम लिया और एलसीएम रख के फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें r प्लस टी की वैल्यू 1 के इक्वल मिलती है. देखिए r प्लस टी बराबर 1 के हमें ये रिजल्ट मिल रहा है. इसका मीनिंग यह होता है कि जब पार्टिकल की एनर्जी e v नॉट से कम होती है तो उस केस में पार्टिकल के थर्ड रीजन में ट्रांसमिट होने के कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है और इसीलिए हम इसको कहते हैं बैरियर पेनिट्रेशन या फिर टनल इफेक्ट कहते हैं. देखिए हमने इसको बैरियर इफेक्ट या टनल इफेक्ट क्यों कहा है, देखिए इसको हम इस डायग्राम से और फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जो सेकेंड रीजन है वो ये रीजन है और हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी ई की वैल्यू वी नॉट से कम है.
तो पार्टिकल के लिए जब हमने आर प्लस जी की वैल्यू को इवेल्युएट किया तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आई है। इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिकल का कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन होने के कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, और इस इफेक्ट को हम यहाँ पे टनलिंग इफेक्ट या सुरंगन प्रभाव कहते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल बैरियर है, जब इस पर कोई पार्टिकल इंसिडेंट होता है जिसकी एनर्जी ई है, तो अगर उसकी एनर्जी ई की वैल्यू वी नॉट से कम होती है तो उसके आगे यानी कि सेकेंड रीजन को पार करके थर्ड रीजन में जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। बट जब हम इसी प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, और अब जब हम केस कंसीडर कर रहे हैं ई इज लेस देन वी नॉट के लिए, तो उस केस में भी पार्टिकल के सेकेंड रीजन को पार करके थर्ड रीजन में जाने की कुछ ना कुछ फाइनाइट पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि पार्टिकल थर्ड रीजन में जरूर जा सकता है। अब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो कैसे थर्ड रीजन में जा रहा है, वो क्या कर रहा है किसी सुरंग से होके, यानी कि ये जो पार्टिकल है वो इस जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है उसके अंदर कोई सुरंग खोद के थर्ड रीजन में जा रहा है। इस टाइप से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। सो इस घटना को हम कहते हैं रोधी का भेदन या प्राचीर भेदन या सुरंगन प्रभाव कहते हैं। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज ए टनलिंग इफेक्ट, और इस टनल इफेक्ट को हम केवल और केवल क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना के द्वारा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेचर में इस टनलिंग इफेक्ट के बहुत एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि अल्फा डिके होता है, अमोनिया इन्वर्जन होता है, फील्ड इमिशन, टनल डायोड, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिना। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, और साथ ही जब पार्टिकल की एनर्जी ई की वैल्यू वी नॉट से कम होती है तो उस केस में पार्टिकल के थर्ड रीजन में ट्रांसमिट होने की कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। थैंक यू सो मच।